असलकुम क्या हाल है आप लोगों के आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो तरह की हेयर स्टाइलिंग एक ब्लैक हेयर्स में और एक ब्लॉन्ड हेयर में तो पहली स्टाइलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लॉन्ड हेयर वाली ये मॉडल मेकअप में आपके साथ वलीमा मेकअप शेयर कर चुकी हूँ तो उसकी स्टाइलिंग रहती थी तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तमाम बालों को क्रेम्प कर लिया है क्रेम्पिंग से बालों में वॉल्यूम आ जाता है और आज हम आपको बेकॉमिंग नहीं कर कर रहे हैं आप आपके लिए बालों में हम पैडिंग करके बालों में किस तरह से बेकॉमिंग की बजाय आप पैडिंग कर लें नेट रख लें तो एक फिनिशिंग लुक आप दे सकते हैं और इस पर हैवी से हैवी दुपट्टा भी आप टिका सकते हैं जस्ट मैंने donut की जो नेट होती है उसको मैं कट कर देती हूँ और उसी को बालों के नीचे एज अ पैडिंग उस यूज कर लेती हूँ तमाम बालों को क्रीम कर लिए हैं मैंने और फिर उसके बाद जो है वो बैकॉमिंग करने के बाद फ्रंट के बालों को मैं कर रही हूँ कर्ल और ये कर्ल कर रही हूँ मैं अपवर्ड ये जब अपवर्ड कर्ल कर, करेंगे और जब इसकी बैंक स्टाइल में सेटिंग करेंगे तो आपकी जो फ्रंट की स्टाइलिंग है जो मैंने आपको दिखाई है वो उस तरह की होगी नीचे के बालों को अपवर्ड किया और जो ऊपर के बाल हैं उसको इनवर्ट कर रही हूँ इनवर्ट से यहाँ पे आएगा वॉल्यूम वॉल्यूम देने के लिए थोड़ी सी बैक कॉमिंग करेंगे ये देखें ये इस तरह से इन्वर्ट किए जा रहे हैं और जो नीचे वाले बाल थे उनको आउटवर्ड किया गया तो हमें क्योंकि उन बालों को जो सेटिंग देनी है वो आउटवर्ड देनी है और इसको इन्वर्ट देनी है यानी कि क्राउन के पास से बिल्कुल मेन सर के पास से हमें यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम चाहिए तो कर्लर को अंदर की तरफ रखा हुआ है और इस तरह से हम कर्ल कर रहे हैं ये जो स्ट्रैंड उठाई है यहाँ पे मैंने इसको पहले बैक कॉम किया और करने के बाद इसको मैंने इस तरह से कर्ल कर लिया तो जब ये बैक कॉमिंग होगी कर्ल्स हुए हुए होंगे ऊपर की तरफ तो आपका एक वॉल्यूमिनाइज जो है वो स्टाइल बन जाएगा लेफ्ट साइड पर हम आए लेफ्ट नहीं है ये राइट साइड है सॉरी तो हमारे ये राइट साइड पे हमने इनको बैक कॉम किया और इसको फिनिशिंग देने के लिए हम बैक साइड पे ले जाने के लिए इस तरह बैक बैकॉमिंग करके हम उसको बैक साइड पे ले जाकर अपनी साइड बन बनाना है बेसिकली वलीमा मेकअप करना था तो इसलिए मैंने साइड बन बनाया अब दूसरी साइड के बाल जो हमने कर्ज किए फर्स्ट लेयर से जो है इसकी सेटिंग करना स्टार्ट कर दिए हमने और ये कि जो कर््स हुए हुए बाल थे उसको थोड़ा सा लूज करके हमने पिनअप कर दिया है और हम ये पिन अप कर रहे हैं साइड में और पोनी भी हमने साइड में बनाई हुई है और इस तरह राउंड घुमा के हम इसको पिनअप कर रहे हैं साइड बन के लिए और फिर फ्रंट की हम स्टाइलिंग करेंगे ये बैंक्स के बाल जो मैंने कर्ल किए थे उसको ये फिंगर पे इस तरह से राउंड लपेट कर थोड़ा सा शेप देकर इसको पिन कर रही हूँ बॉप पिन की हेल्प से कर रही हूँ और जहां जहा पर पिंस नजर आएंगी उन पिंस को क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लाउ uh, हेयर है और ब्लैक पिन है तो पिन थोड़ी बहुत अगर दिखती है कोशिश तो यही होती है कि पिंस पिंस नज़र नज़र ना आए लेकिन अगर पिन्स नजर आती हैं तो आपके पास हेयर जो है वो आपकी हेल्प कर देती हैं उसको हाइड uh, करने के लिए तो यहाँ पे बैंक्स की हमने इस तरह से सेटिंग कर ली पिन लगाया रिमेनिंग जितने बाल क्योंकि ये सारी सेटिंग अभी हम फ्रंट के बालों की हमने की बैक साइड पे जो हमने uh, राइट right साइड के बाल लेकर आए थे बैक कॉमिंग करके तो वो वाले बाल जो हमारे राइट right से लेफ्ट पर आए हैं तो वो वाले बाल इस तरह से हम कर्ल कर रहे हैं हमने यहाँ पे कोई पोनी नहीं बनाई है जस्ट हम राइट right से लेफ्ट लेकर आए हैं क्योंकि हमें जूड़ा जो चाहिए साइड बन जो चाहिए वो हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए तो हम कर्ल करते जा रहे हैं और उस कर्ल को राउंड घुमाकर हम इस तरह से कुछ रिंग्स बना रहे हैं लेकिन टाइट uh, रिंग्स नहीं बना रही है देखिए आपके सामने ये कर रही हूँ और जहां जहां एडजस्टमेंट हो जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर एडजस्टमेंट होती है आप रिंग्स को अल uh, कर यानी बिल्कुल चिपका के नहीं करेंगे बल्कि रिंग को खड़ा करके रखेंगे रिंग्स जैसे इस तरह से ये आपकी खड़ी हुई होनी चाहिए और इसको बॉप पिन को अंदर की तरफ टाई कर दें और टाई करने के बाद और बाकी ये कि कहीं से आपको लगता है कि कोई पिन नजर आ रही है तो उस पेन को हाइट कर दीजिए आप अपनी डायमोंटीज़ आपके पास हेयर एसेसरीज हैं उनकी हेल्प से आप इस तरह से ये खूबसूरती भी आ जाती है बालों को थोड़ी सी मजबूती भी मिल जाती है जोड़ा आपका अच्छा सा टाई हो जाता है तो ये स्टाइलिंग डन हो गई बहुत ही सिंपल सी स्टाइलिंग है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपने ये स्टाइलिंग किस तरह से की है बेसिकली मैसी बन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करेंगे तो ही ये लुक आएगी आपको सिर्फ अपना माइंड चलाना होता अपनी क्रिएटिविटी निकालनी होती है तो ये हो गई हमारी एक स्टाइलिंग डन अब हम आएंगे दूसरी स्टाइलिंग के तरफ तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपने कैसा बनाया तो आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस और मुझे भेजनी है पिक्चर कि आपने ये स्टाइलिंग की प्रैक्टिस प्रैक्टिस की तो आपने क्या रिजल्ट पाया बहरहाल अब हम आते हैं दूसरे स्टाइलिंग की तरफ शॉर्ट हेयर हैं ये और इन शॉर्ट हेयर्स पे हम पोनी लुक देंगे लॉन्ग हेयर की स्ट्रेट हेयर पोनी लुक फ्रंट से स्टाइलिंग होगी और मॉडल मेकअप हमारा डन हो चुका था आपको आपके लिए मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसकी वीडियो तो ये जनाब हमने पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग की पीछे वाले बालों की पोनी कर दी और फ्रंट से हम ये स्टाइलिंग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट स्टाइल है तो तीन पार्टिंग की है सबसे पहले जो है वो मिडिल की पार्टिंग की उसको सेपरेट किया फिर दोनों साइडों की पार्टिंग की और उसके बाद काम स्टार्ट आप एक साइड से काम स्टार्ट करें यही सेम चीज़ रिपीट होगी लेफ्ट साइड राइट साइड देन फिर मिडिल पार्ट क्योंकि अगर आप मिडिल पार्ट पहले कर लेंगे तो वो फिनिशिंग वैसी नहीं आएगी तो जो है आपने मेजरमेंट कर ली कि दोनों तरफ से आपने इक्वल लिया है बॉक्स पार्टिंग वाले जो हेयर हैं आपने उसको छोड़ दिया है और जैसे आपने स्टाइलिंग फ्रंट दोनों साइड से लेना शुरू किया था आपने लेफ्ट साइड पर उसी तरह से आप दोनों साइड से स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड पर जब आपके राइट right साइड का भी काम डन हो जाएगा तो फिर आप आएंगे मिडिल पार्टिंग पर जो बॉक्स पार्टिंग हुई भी है इसको आप डन करेंगे उसके बाद हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे और एक्सटेंशन लगाने के बाद आपका हो जाएगा ये लुक तैयार क्योंकि हमने इसमें कुछ मॉडल मेकअप लुक ही दिया था कोई ब्राइडल लुक नहीं दिया था तो एक सटल मेकअप लुक दिया था मैंने इसके अंदर तो ये स्टाइलिंग आज आपके साथ शेयर करनी थी Uh, साथ में उस मेकअप के साथ इसलिए शेयर नहीं करती हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है और स्टाइलिंग की वीडियो सेपरेट ही हो तो ज़्यादा अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको काम कैसा लग रहा है मेकअप कैसा लग रहा है स्टाइलिंग की प्रैक्टिस आप लोग कर रही हैं और स्पेशली मैंने नोटिस किया है कि आपको मेकअप ज़्यादा पसंद है तो मेकअप देखें तो उसकी प्रैक्टिस भी क्योंकि ट्यूटोरियल्स तो इसलिए होते हैं के जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकें देखें व्लॉग और ट्यूटोरियल में यही फ़र्क है कि व्लॉग आप देखते हैं इंजॉय करते हैं एंड ख़त्म ट्यूटोरियल्स का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट जाने से जा नहीं सकते अफोर्ड नहीं कर सकते आप जाने का के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आपके पास ट्यूटोरियल्स आपके पास पूरा यूट्यूब भरा हुआ है और जिसकी स्टाइलिंग जिसकी जिसका काम आपको ज़्यादा समझ में आता है तो आप उसे देखें उसे अप्रिशिएट करें उसकी प्रैक्टिस करें हैंड टू हैंड प्रैक्टिस ज़रूर किया करें प्रैक्टिस करें और उस काम को डन करें एक नॉलेज एक हुनर है तो उसे आप ज़रूर अवेल करें और जब काम अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली कमेंट किया करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब किया करें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही हौसला अफजाई करती है हम सब के लिए जो आपके लिए बैठे हुए हैं काम करने के लिए सीखने और सिखाने के लिए तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा याद थैंक्स फॉर अल्लाह हाफिज टेक केयर